हेलो, आज हम होममेड पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बाहर से मंगवाना बिल्कुल अनसेफ है, और इसलिए बनाएंगे एक कढ़ाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम जिसे बेल पेपर भी बोलते हैं, और हमने ये दो कलर का लिया है, रेड और ग्रीन, पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ और प्याज, हमने लिए बीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको रेडी करने से पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई रख लेनी है, और इसमें हम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम प्री हीट कर लेंगे। अच्छे से इसको गर्म करना है, 15 से 20 मिनट इसको हम रख देंगे गर्म करने के लिए। तो इसको ढक भी देंगे ताकि जल्दी गर्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम ये रेडी करते हैं, तब तक ये गर्म होता है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अभी इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। अच्छे से पूरा स्प्रिंकल कर लेना है। जितना चीज डालेंगे उतना चीजी जैसे ये बनेगा। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, मोजरेला चीज आती है, या आप कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, ब्रिटानिया का, अमूल का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम डालेंगे इसके ऊपर स्वीट कॉर्न। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स आते हैं, और जो कुछ भी आपको मिले, मशरूम हो गया। अभी हमने स्वीट कॉर्न डाल लिए। इसके बाद हम ये कैप्सिकम डालेंगे जो हमने दो कलर की ली है, बेल पेपर ग्रीन और रेड हमने लिए, तो बिल्कुल अच्छा कलर तो लगेगा हमारा पिज्ज़ा। येलो हो गया बीच में, स्वीट कॉर्न ग्रीन हो गया, रेड कैप्सिकम। अभी हम इस पे प्याज डाल देंगे। चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे, अच्छी जैसे रोस्ट हो जाए साइड से। अच्छी शाइनिंग भी आ जाएगी पिज्जा में। हो चुका है, और इसमें हम ये रिंग या आप कोई भी बड़ी कटोरी जैसे डालेंगे। अगर आप सीधी प्लेट रखेंगे तो वो सीधा नीचे से जल जाएगा, और इसलिए हम ये एक रिंग डाल लेंगे और उसके ऊपर हम ये रख लेंगे प्लेट। फिर इसको हम कवर कर देंगे, कढ़ाई में रखेंगे, फिर देखते हैं। हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, और आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते मेरे को, प्लीज़ करिए। और चलिए फिर बाय बाय करते हैं। थैंक यू।